अस्सलामुअलैकुम। सिर्फ मेरा सवाल यह है कि क्या ख्वाब में अल्लाह को देखा जा सकता है? ये एक भाई साहब हैं, इनका सवाल ये है कि क्या ख्वाब में अल्लाह ताला को देखा जा सकता है। तो देखें, इस ताल्लुक से अक्सर अहले इल्म का कहना यही है कि अल्लाह ताला को इन खुली आँखों से तो कोई नहीं देख सकता, यानी अल्लाह ने सर में जो दो आँखें दे रखी हैं, इन आँखों से अल्लाह ताला को देखना ये मुमकिन नहीं है, दुनिया का कोई शक नहीं दे सकता। आखिरत में जब लोग जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इन आँखों में वो ताकत पैदा करेगा, वो कुव्वत पैदा करेगा कि ये अल्लाह ताला का दीदार करने के काबिल हो सकेंगी, तो अल्लाह ताला को देखा जा सकता है। लेकिन इस दुनिया में कोई नहीं देख सकता और ना किसी ने अल्लाह ताला को देखा है। लेकिन भाई साहब का सवाल इन आँखों से देखने से मुतल्लिक नहीं है, बल्कि ख्वाब में अल्लाह ताला को देखने से मुतल्लिक है। तो देखें, ख्वाब में अल्लाह ताला को देखा जा सकता है कि नहीं, इस बारे में अहले इल्म का इख्तलाफ है। बाज़ उलमा कहते हैं कि अल्लाह ताला को ख्वाब में देखा जा सकता है और बाज़ कहते हैं कि अल्लाह ताला को ख्वाब में देखा नहीं जा सकता है। जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला को ख्वाब में देखा जा सकता है, उन उलमा की अक्सरियत है। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने भी यही कहा है कि अल्लाह ताला को ख्वाब में देखा जा सकता है, लेकिन उन्होंने कई तफसीलात पेश की हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को आदमी अपने तकवा ईमान के लिहाज से देखेगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को जिस तरह देखेगा ज़रूरी नहीं है कि वो अल्लाह ताला हकीकत में वैसे हो। इस तरह से बहुत सारी तफसीलात की गई हैं। और शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया और उनके साथ अहले इल्म की एक बहुत बड़ी जमात है जो इस बात की कायल है कि अल्लाह ताला को ख्वाब में देखा जा सकता है। इन हजरात की जो दलील है वो असल में एक रवायत है, मुस्नद अहमद वगैरह बहुत सारी कुतुब हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबे किराम से कहा कि मैंने अपने रब को देखा है। बाज़ रवायत ने इसकी तशरीह की है, यानी फिन्नौम, यानी ख्वाब में, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में अपने रब को एक हसीन शक्ल में, अच्छी शक्ल में देखा है। तो ये बुनियादी दलील है ये कहने की कि अल्लाह ताला को ख्वाब में देखा जा सकता है, क्योंकि हदीस मौजूद है, अल्लाह के नबी का फरमान है कि मैंने अल्लाह ताला को ख्वाब में देखा है। तो इस दलील की बिना पर अहले इल्म की एक बहुत बड़ी तादाद ये मानती है कि अल्लाह ताला को ख्वाब में देखा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ बाज़ अहले इल्म हैं जो कहते हैं कि नहीं, अल्लाह तबारक व तआला को ख्वाब में देखा नहीं जा सकता। और इस कौल के कायलिन भी दो तरह के हैं। कुछ ये कहते हैं कि अल्लाह ताला को कोई नहीं देख सकता, ना खुली आँखों से, ना ख्वाब में, या आखिरत में अल्लाह ताला का दीदार होगा। दुनिया में कोई नहीं देख सकता, ना खुली आँखों से और ना ही ख्वाब में देख सकता है। और अहले इल्म का दूसरा गिरोह है, उसका कहना है कि नहीं, ये अम्बिया के लिए इस्तिस्ना है, यानी एक्सेप्शन है, यानी नबी सल्लम देख सकते हैं ख्वाब में, लेकिन दूसरा कोई नहीं देख सकता। और ये इस्तिस्ना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हदीस मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अल्लाह ताला को अच्छी शक्ल में देखा है। तो इस हदीस की बुनियाद पर कहते हैं कि अल्लाह ताला को देखा जा सकता है। बहरहाल, ये तो अहले इल्म की बातें थी, तो उनके दलायल थे, आपने सवाल मेरे पास भेजा है, तो इस सिलसिले में हम बेहतर इसी बात को समझते हैं कि इस बारे में कोई वाज़ह हदीस या कोई वाज़ह आयत मौजूद नहीं है कि अल्लाह ताला को ख्वाब में देखा जा सकता है। और ये जो रवायत है मुस्लिम अहमद वगैरह की, इस रवायत की सेहत पे इतना नहीं, इस पर हमारा मजीद दरासा जारी है, इंशाल्लाह हम कभी फाइनल आपको बताएंगे, लेकिन इस पर इतना नहीं, इस रवायत की सेहत पर, जिन लोगों ने सही कहा है, बहुत सारी गड़बड़ी है। और इसके जो अक्सर तुर्क हैं उनको उलमा ने ज़ईफ़ी कहा है, एक दो तरीक है जिसको लोगों ने सही कहा, वरना अक्सर जो इसके तरीक हैं उस पर अहले इल्म ने नकदी किया है, उसको ज़ईफ़ी कहा है। और बहुत सारे अहले इल्म जो मुआसरीन हैं, उनसे जब ये सवाल किया गया कि क्या ख्वाब में अल्लाह ताला को देखा जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि लोग ऐसा कहते हैं, वल्लाहु आलम। जैसे शेख अल्बानी एक बहुत बड़ा नाम है, इल्म हदीस में, फ़िक्ह में भी एक बहुत बड़ा नाम है, उनसे सवाल किया गया कि क्या अल्लाह ताला को ख्वाब में देखा जा सकता, उन्होंने कहा युकाल वल्लाहु आलम, कि लोग कहते हैं देखा जा सकता, अल्लाह बेहतर जानता है कि देखा जा सकता कि नहीं। तो जवाब से एक तरह से वो बच रहे हैं, शेख अल्बानी रहमतुल्लाह बिल्कुल वाज़ह जवाब नहीं दे रहे। यही हाल शेख इब्न उसैमिन रहमतुल्लाह के फतवे का भी है, उनसे भी जब पूछा गया तो उन्होंने भी कोई मजबूत बात नहीं कही, शेख इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के कौल को नकल किया, और बहुत ज़्यादा जिस तरह से उनका अंदाज है जवाब देने का, उस तरह से उनका अंदाज नहीं। असल में इसमें जो शेख इब्न तैमिया रहमतुल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है, इसलिए अक्सर लोगों से जब सवाल किया जाता है तो उन्हीं का नाम पेश कर देते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा है, और वही पेश करके वो आगे बढ़ जाते हैं। तो बहरहाल, अहले इल्म की जमात में एक गिरोह ऐसा है, गरचे उनकी तादाद बहुत कम है, जो ये कहते हैं
की कोई सराहत वारी नहीं है कुरान और हदीस में, इसलिए यह कहना कि ख्वाब में कोई अल्लाह ताला को देख सकता है ये दुरुस्त बात नहीं है। हमारी नज़र में यही बात ठीक लगती है कि यह कहना कि अल्लाह ताला को कोई ख्वाब में देख सकता है ये बात दुरुस्त नहीं मालूम होती। आप देखें सहाबे कराम में एक से एक बड़ी हस्तियाँ थीं, लेकिन किसी भी सहाबी के ताल्लुक से एक लम्हे के लिए भी, एक रात के लिए भी ऐसा नहीं मिलता है कि उन्होंने कहा हो कि मैंने अल्लाह ताला को ख्वाब में देखा है। ये जितने भी वाक़यात किस्से कहानियाँ लोग बयान करते हैं सब बहुत बाद के हैं, लेकिन सहाबा में किसी एक सहाबी के बारे में नहीं मिलता है कि उन्होंने कहा हो कि मैंने अल्लाह ताला को ख्वाब में देखा है। ऐसे ही ताबीन में आप देखें तो ताबीन में भी किसी एक ताबी के बारे में नहीं आता है कि उन्होंने कहा हो कि मैंने अल्लाह ताला को ख्वाब में देखा है। इसमें और नीचे उतरेंगे बहुत नीचे तो इमाम अहमद रहमुल्लाह के ताल्लुक से मशहूर है कि इमाम अहमद रहमुल्लाह फरमाते थे कि मैंने ख्वाब में अल्लाह ताला को देखा है, लेकिन इमाम अहमद रहमुल्लाह से ये बात सही सनद से मेरे सामने नहीं आ सकी, मैं इसको तलाश नहीं कर सका कि वाकई इमाम अहमद रहमुल्लाह ने ऐसा कहा है या नहीं कहा है, ये बात नहीं मिल सकी। तो बहरहाल सही बात यही मालूम होती है कि कुरान या हदीस में ऐसी कोई दलील मौजूद नहीं है कि कोई भी शख्स अल्लाह ताला को ख्वाब में देख सकता है। ले देखे एक मरफू रवायत है और उसका मामला मुश्तबह है। अगर वो रवायत सही है, ज़्यादा ये होगा कि रवायत सही होगी, अगर वो रवायत सही है तो भी इसे अल्लाह के नबी वसल्लम के साथ ख़ास करना ये ज़्यादा मुनासिब है। अल्लाह के नबी वसल्लम का जो मामला है, ऐसा नहीं कि हर एक का वही मामला हो, अल्लाह के नबी वसल्लम का ये मामला है इसलिए अल्लाह के रसूल के साथ ये चीज़ ख़ास है। हम आम लोगों के बारे में नहीं कह सकते कि हर आदमी जो है अल्लाह ताला को देख सकता है। अल्लाह के नबी वसल्लम की एक हदीस भी है कि अगर किसी ने ख्वाब में मुझे देखा तो गया कि उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत नहीं अपना सकता है। जाहिर है कि जब अल्लाह के नबी वसल्लम इस तरह की बात कर रहे हैं तो अल्लाह के नबी वसल्लम को यह रहनुमाई भी करनी चाहिए कि अगर किसी ने अल्लाह ताला को ख्वाब में देखा तो उसका क्या मामला होगा। अपने बारे में अल्लाह के नबी वसल्लम ने यह वजाहत कर दिया कि मेरी शक्ल व सूरत में अगर ख्वाब में कोई देख रहा है तो वो शैतान नहीं हो सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के बारे में भी ऐसी कोई सराहत आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हदीस में नहीं है। इन सारी बातों से पता चलता है कि एक आम आदमी के लिए ये मुमकिन नहीं है कि इस दुनिया में वो अल्लाह ताला को देख सके, ना इन सर की आँखों से और ना ही ख्वाब में वो देख सकता है। और आखिरी बात ये कि एक शख्स कैसे वेरीफाई करेगा कि उसका ख्वाब सच्चा, उसने अल्लाह ताला को देखा है। अल्लाह के नबी सल्लम का जो होलिया मुबारक है, अल्लाह के नबी सल्लम का जो ढांचा है, शक्ल व सूरत है, वो पूरा रिकॉर्ड है अहादीस में। सहाबे कराम ने बताया कि आपके बाल कैसे थे, आपके दांत कैसे थे, आपके होंठ कैसे थे, आपका चेहरा कैसा था, आपका कंधा कैसा था, ये पूरा नीचे से ऊपर तक पूरी कैफियत अल्लाह के नबी सल्लम की पूरे औसाफ अहादीस में दर्ज हैं। इसलिए आज अगर कोई शख्स खड़ा होकर दावा करता है कि मैंने नबी को ख्वाब में देखा है, हम उसको बिठाएंगे और उन अहादीस के हवाले से वेरीफाई करेंगे कि तो बता कि अल्लाह के रसूल के बाल कैसे थे, ये कैसे थे। अगर वो सारी सिफात मैच करती हैं तो ये मुमकिन है कि उसने अल्लाह के रसूल को देखा हो। लेकिन अगर एक बंदा कहता है कि मैंने अल्लाह ताला को देखा, आप कैसे वेरीफाई करेंगे? आप कैसे तय करेंगे कि वाकई ये ख्वाब सच्चा है? अगर शैतान ख्वाब में आता है कहता कि मैं अल्लाह हूँ, आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? आपके पास अल्लाह ताला का क्या रिकॉर्ड है? अल्लाह ताला को तो किसी ने देखा नहीं है। अल्लाह ताला के औसाफ आपको मालूम है, अल्लाह ताला की सिफात कुरान और हदीस में बयान हुई है, जो फैली सिफात हैं और दूसरी सिफात हैं कि अल्लाह ताला के हाथ है, लेकिन पूरी तफसील नहीं है और उनकी कैफियत भी मालूम नहीं है। यानी अल्लाह ताला के हाथ हैं लेकिन हाथ कैसा है नहीं मालूम। इसलिए सलफ का अकीदा वल कैफ मजहूल कि अल्लाह ताला के हाथ हैं हम ये मानेंगे, लेकिन हाथ कैसा है, इंसान की तरह है या किस तरह है, हम ये नहीं बोल सकते। हमें मालूम ही नहीं कि अल्लाह ताला का हाथ कैसा है। तो अगर ख्वाब में कोई आके बोले कि मैं अल्लाह हूं तो आप कैसे वेरीफाई करेंगे? इसलिए जिन उलमा ने यह कहा है कि अगर कोई ख्वाब में अल्लाह ताला को देखे तो देख सकता है, तो उन्होंने कहा है कि अलग अलग आदमी अलग अलग तरह से देखेगा। ये बड़ी अजीब गरीब बात, कहते हैं कि एक आदमी का जैसा ईमान होगा उस तरह उस शक्ल में अल्लाह ताला को देखेगा। ये बहुत ही अजीब गरीब बात है कि अलग अलग शक्ल में आदमी अलग अलग शक्ल में अलग अलग तरीके से अल्लाह ताला को देखेगा। तो बहरहाल हमारी राय इस सिलसिले में ये है कि किसी भी शख्स के लिए मुमकिन नहीं है कि अल्लाह तबारक व ताला को देख सके। आप खुद सोचें कि जब इन खुली आंखों से कोई नहीं देख सकता, अल्लाह के नबी मेराज में अल्लाह ताला के पास गए और अल्लाह के नबी ने इन खुली आंखों से नहीं देखा, और जब खुली आंखों से नहीं देखा तो ख्वाब में कहाँ से देख सकते हैं? और अगर बहुत मान लें, अगर वो रिवायत सही है उस बुनियाद पर बहुत मान लें, तो ये मान सकते हैं कि ये मामला अल्लाह के नबी के साथ खास है। लेकिन आम लोगों के लिए ये मानने की कोई गुंजाइश नहीं है कि वो लोग भी अल्लाह तबारक व ताला को देख सकते हैं, क्योंकि नबी के बारे में हम ये मान सकते हैं कि अल्लाह के नबी का ख्वाब
सच्चा होता है, शैतान अल्लाह के रसूल के ख्वाब में नहीं आ सकता है, तो अल्लाह के रसूल तक मामला काबिल कबूल है। लेकिन एक आम आदमी ये दावा करते फिरे कि मैंने अल्लाह तो देखा, अल्लाह को देखा, और आपके पास कोई पैमाना नहीं है उसके ख्वाब को नापने का, तो हर आदमी पता नहीं किस तरह के फितने बरपा करेगा और क्या क्या दावा करते फिरेगा, और बिलखसूस सहाबा और ताबीन से ऐसा कोई दावा, ऐसा कोई मामला मिलता भी नहीं है। इसलिए यह कहना ठीक मालूम नहीं होता है कि हर आदमी या कोई भी आदमी अल्लाह ताला को ख्वाब में देख सकता है। तो ये तफसील थी आपके सवाल के जवाब में, उम्मीद है कि जवाब आपके लिए वाज़ह हो गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, iPlus TV को जरूर डोनेट करें।